नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नदी की तेज धार में बहने से 3 बच्चियों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। जिले में लगातार जारी है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 96 नए संक्रमित मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2500 के पार। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को नहीं मिल रहा बकरे का उचित मूल्य, सार्वजनिक आयोजन पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग की जमकर की पिटाई, शरीर पर उभरे गहरे जख्म, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में पति की दूसरी शादी को लेकर पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, लॉकडाउन में दूसरी महिला से संबंध रखने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में भयानक वृद्धि हो रही है, जिस कारण आए दिन नदी में डूबने से मौत की खबर आती रहती है। ताजा मामला पीरपैंती से है, जहां मैनी नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना पीरपैंती के ईशीपुर थाना क्षेत्र के प्यालपुर हर्षो गांव की है। गांव की 3 बच्चियां बुधवार की शाम बकरी चराकर घर वापस जा रही थी। इसी दौरान मैनी नदी पार करते वक्त तीनों बच्चियां पानी के तेज बहाव में बह गई और डूबने से तीनों बच्चियों की मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान तल्लू मुर्मू की 6 वर्षीय पुत्री मिर्कू मुर्मू एवं 10 वर्षीय पुत्री पिंकी मुर्मू तथा शिल्लू मुर्मू की 10 वर्षीय पुत्री कमली मुर्मू के रूप में हुई है। बता दें कि सभी बच्चियां गोखला मिशन स्कूल की छात्रा थी। घटना को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण हमेशा अनहोनी की आशंका लगी रहती है, पर स्थानीय जनप्रतिनिधि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चियों के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों एवं गोताखोरों ने पानी की तेज धार में कड़ी मशक्कत कर शवों को नदी से बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शीओ नागेंद्र कुमार, ईशीपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार एवं पीरपैंती थाना प्रभारी राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और कागजी कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक रामविलास पासवान से ग्रामीणों ने जल्द पुल बनवाने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना न घटे, क्योंकि मैनी नदी को पार कर करीब 200 बच्चे बच्चियां प्रतिदिन गोखला मिशन स्कूल जाते हैं और ऐसे में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बेटी का नाम है एगो पिंकी मुर्मू, एगो मिर्कू मुर्मू। नदी में बच गया बाढ़ में। ये कैसे घटना हुआ, कहाँ जा रहा था वो? बकरी चढ़ा के इधर से आ रहा था और बच्चा लोग दो भाग रहा था और बस बाढ़ आया, पानी आया, भागने लगे और नदी में गिर गया। देखिए जो ये घटना घटा है, बहुत बड़ा जाकर के जो है घटना है। ये हम लोगों के आदिवासी समुदाय के जो बच्चे जो बकरी चराने के लिए गए थे बिहार में, और पुल नहीं रहने के कारण जो है लोग पुल पर पार हो रहा था, तो पुल पर पार हो रहा था और उसमें जो है वर्षा आने के कारण जो है पानी में जो है बच्चा गिर गया। 10-12 फीट पानी था और बच्चा जो है डूब करके जो है कल ही जो है करीब 2-3 बजे डूब करके मर गया। जिले में कोरोना संक्रमितों के नंबर में तेजी से इजाफा हो रहा है। पूर्णतः लॉकडाउन के बावजूद कोरोना पर शिकंजा कसना मुश्किल लग रहा है। गुरुवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में 96 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं पड़ोसी जिला बांका में भी कोरोना का कहर जारी है। बांका से 23 संक्रमित मरीज मिले, जबकि मुंगेर से 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी पटना में कोरोना का ग्राफ इस रफ्तार से चढ़ रहा है मानो कोरोना ने पटना में अपना घर बना लिया हो। गुरुवार को पटना से 410 संक्रमित मरीज पाए गए। बता दें कि पटना के बाद हमारा शहर भागलपुर दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमितों का जिला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से मानो किसी को डर नहीं लग रहा है। एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का विस्फोट हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरवासी इसके संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं। भागलपुर बकरा मंडी में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। प्रत्येक साल शहर के ततारपुर जामा मस्जिद के बाहर एक सप्ताह पूर्व से ही बकरा बाजार गुलजार रहता था, लेकिन इस बार बकरों की मंडी यहाँ पर नहीं लग रही है, जिसके कारण बकरा व्यापारी गली मोहल्ले में घूम घूम कर ग्राहक ढूंढ रहे हैं।
वहीं भिकनपुर, बरहपुरा, मौलाना चक, शाहजंगी, हबीबपुर, चंपानगर समेत कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में व्यापारी घूम घूम कर बकरा बेच रहे हैं। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को बकरे का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को भिकनपुर चौक के समीप शहजादा, शेरू, बादशाह, हीरा, शाहरुख, सलमान और टोनी नामक बकरा आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस बार बाजार में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का बकरा बिक रहा है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP आशीष भारती ने जारी आदेश में कहा है कि बकरीद के मौके पर सार्वजनिक आयोजन, मेला एवं जुलूस पर प्रतिबंध होगा। इसके अनुपालन के लिए वरीय अधिकारियों ने जिले के सभी BDO, CO और थानेदार को अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती ने कहा कि बकरीद के मौके पर सभी संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के मकंदपुर गांव से मोबाइल चोरी के आरोप में दो लड़के को कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां किसी तरह दोनों लड़के ने भागकर अपनी जान बचाई और नाथनगर थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी। घटना सोमवार के देर शाम की बताई जा रही है, जहां एक नाबालिग अंकुश कुमार और दुर्गेश कुमार नामक लड़के पर रन्नू चक गांव के पीयूष कुमार ने मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया और पकड़कर कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई से नाबालिग लड़कों के पूरे शरीर पर जख्म उभर आया है। वहीं थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने घायल नाबालिगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। भागलपुर के ततारपुर उर्दू बाजार में उस वक्त जमकर हंगामा मच गया जब RPF में तैनात जमादार पीयूष के घर के बाहर उसकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ पहुंच गई और हंगामा करते हुए धरना पर बैठ गई। जमादार की पहली पत्नी ने अपने पति पर लॉकडाउन के दौरान बिना तलाक के ही दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया। वहीं पत्नी ने घर में मौजूद दूसरी महिला को बाहर निकालने के लिए जोरदार हंगामा किया। महिला द्वारा हंगामा करने की सूचना मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रही महिला को शांत कराया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में भी महिला ने घर के बाहर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी जमादार को घर से बाहर निकाल कर अपने साथ ले गई, पर हंगामा कर रही पहली पत्नी दूसरी महिला को बाहर निकालने की मांग पर अड़ी रही और हो हल्ला करती रही। पर जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो कोई दूसरी महिला घर के अंदर नहीं मिली। जमादार पीयूष और उसकी पत्नी के विवाद का मामला कोर्ट में भी लंबित बताया जा रहा है। जमादार पीयूष की पत्नी लॉकडाउन के दौरान नवगछिया पर्वत्ता के सांभवी नाम की किसी महिला से शादी कर लेने का आरोप पति पर लगा रही है। बहरहाल ततारपुर थाना पुलिस मामले में जमादार से पूछताछ कर रही है। इस मकान में 15 साल की लड़की के साथ शादी करके सर रह रहे हैं सर। पहले हम यहीं पर लाल कोठी में उनके साथ रहते थे, तो मारपीट करते थे, यहाँ तक गला चौंप रहे थे ना, तब हमको भगा दिया, हम केस कर दिए ततारपुर थाना में। हमसे अलग होके तब यहाँ डेरा लेके उस लड़की के साथ गुपचुप रह रहे थे। केस भी चल रहा है कोर्ट में। हम 5 अगस्त 2017 में केस किए हैं सर। शादी हुई थी 29 अप्रैल 2007 में सर। बच्चे दो हैं सर, एक 10 साल का लड़का, 8 साल की लड़की सर है। कोर्ट में केस चल रहा है सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा
जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। शराब तस्कर तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। बुधवार शाम नौगछिया पुलिस ने दालखोला से भागलपुर आ रही एक ऑटो को संदेह के आधार पर तलाशी के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने ऑटो के अंदर से रीमॉडलिंग कर बनाए गए गुप्त चैम्बर से 60 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कदवा ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ दबोच लिया है। पकड़े गए सभी शराब कारोबारी नौगछिया के प्रवक्ता और सबौर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शराब तस्करों से पूछताछ कर रही है। नौगछिया रंगरा पुलिस ने तिनटंगा दियारा के समीप बौचाही धार से 14 वर्षीय युवती का सरकटा शव बरामद किया है। सरकटी लवारिश लाश मिलने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछिया SDPO परवेंद्र भारती भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को शव की पहचान करने को कहा, पर शव की पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। SDPO ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। ये बुचाही धार से ग्राम सिमरहिया के पास वहीं से बरामद किया गया। उस रहिया क्या क्या कौन बड़ी है? महिला का है। महिला का क्या लग रहा है प्रथम दृष्टिया? भागलपुर कहलगांव अमडंडा थाना क्षेत्र के काझा घुटियानी तिलका मांझी पुल के समीप गुरुवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिला। शव की पहचान मधुसूदनपुर गांव निवासी स्वर्गीय किशन मंडल के 50 वर्षीय पुत्र छोटे लाल मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम मृतक व्यक्ति अपने घर मधुसूदनपुर से झोला लेकर तिलका मांझी चौक पर लगने वाले हाट से सब्जी खरीदने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर वापिस नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने पुल के नीचे शव को तैरता देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमडंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि मामले की बारीकी से छानबीन की जा रही है। इधर घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई द्वारा स्कूली बच्चों के लिए नवगछिया में परिषद की पाठशाला शुरू की गई है। गुरुवार को ABVP कार्यकर्ता राहुल शर्मा एवं कृष्ण कुमार के संयुक्त नेतृत्व में परिषद की पाठशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। ABVP के कृष्ण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा में काफी समस्याएं हैं,
जिस कारण अभी छात्रों की पढ़ाई बाधित है। इसीलिए एबीवीपी की ओर से पूरे देश में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए परिषद की पाठशाला चलाई जा रही है। वहीं राहुल शर्मा ने बताया कि कोरोना से सुरक्षा हेतु सभी बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया है एवं नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। परिषद की पाठशाला के पहले दिन शिवम, सोनाक्षी, राधा, अंकित, डौली, रानी, शांति, सपना, नेहा सहित अन्य बच्चों ने हिस्सा लिया। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बकरीद, विषहरी पूजा एवं रक्षाबंधन को लेकर बुधवार को कोतवाली थाना परिसर में कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शांति समिति के सभी सदस्यों ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने को लेकर अपनी अपनी बात रखी। वहीं बैठक में बकरीद की नमाज को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी ने बकरीद की नमाज घर पर ही अदा करने की बात कही। साथ ही श्रावण की अंतिम सोमवारी को लेकर भी सभी ने घर पर ही पूजा अर्चना करने की बात कही। वहीं बैठक में विषहरी पूजा के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। इधर कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की। मौके पर प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर एजाज अली रोज, महबूब आलम, श्रवण बाजोरिया, अनवर खान, सोनू घोष सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के कांग्रेसी खेमे में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद ने कहा कि इस बार कहलगांव विधायक सदानंद सिंह अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए दबाव में परवेज जमाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शाह अली सज्जाद ने कहा कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह साजिश रची है। और इसमें जो हमको लगता है वो कुछ अपना पर्सनल मफाद की वजह का, परमुखतर फायदे के लिए। और ये फायदा क्या है कि हम इलेक्शन में खड़े हों, हमको टिकट मिले, हम अध्यक्ष बन जाए, इसके लिए जो है ब्लैकमेलिंग किया गया सदानंद बाबू को, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है। इससे पहले वाले इलेक्शन में भी इन्होंने अपने भाई को आपके रामविलास की पार्टी से खड़ा करके अपना जो है वो उनको हरा दिया, इसलिए अब ये इन्होंने आयन वक्त पर 2 महीना पहले, ये 2 महीने में क्या कर लेंगे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नदी की तेज धार में बहने से 3 बच्चियों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। जिले में लगातार जारी है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 96 नए संक्रमित मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2500 के पार। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को नहीं मिल रहा बकरे का उचित मूल्य, सार्वजनिक आयोजन पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग की जमकर की पिटाई, शरीर पर उभरे गहरे जख्म, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में पति की दूसरी शादी को लेकर पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, लॉकडाउन में दूसरी महिला से संबंध रखने का लगाया आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।